साथमा विवेक इन्टरप्राइजेस दुहाबी सुनसरी एरिना टेलिभिजन देखिरहला सम्पूर्ण दर्शकबिनके हामी दुई हात जोडिकन नमस्कार गर्छौं। तोरसिन देखिरहला छ अखनी एरिना टेलिभिजन मिडिया फर यु धमरसिनके विभिन्न केबल अपरेटर माध्यमसे देशभर देखिरहला छ। ओइनंगरी धमरसिनके अनलाइन भी देखे सक्छ तोरसिन www.erinatelevision.com.np लगन गरिके तोरसिन संसारभर देखे सक्छ लाइभ प्रत्यक्ष रूपमे। आज रवि दिन छ कि सुरु भएको तोरसियानके मनपसिन थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दिया रहल छौँ। हामी तोरसियानके सँग हामी नीरज खवास यतना खान हाम्रा क्यामेरा दिशन साथ दिया रहल छ। जयप्रकाश राजवंशीजी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन्छन्। आज भर्खरै मौका पेलेस जनता इटा कार्यक्रम देखे लग्ना। सबैसे पहिला तोरसिनके हामी इटा कार्यक्रमके बारेमे जानकारी देवे चाहन्छौँ जेकि इटा कार्यक्रममे थारू समाजमे सङ्घर्ष करते एल विभिन्न व्यक्तित्व सँगसँगैके बातचित आर ओहिना गरिके एकटा विषयवस्तु ल्याके विभिन्न गाउँमे थारू समाजके गाउँमे जाके ओथेनकर रहल व्यक्तित्व सँगसँगैके बातचित आर ओहिना गरिके बन्या बन्या गीत सङ्गीत सुनाएके भी तोरसिनके हामी इटा कार्यक्रम मार्फत मनोरञ्जन करते एलुस। चुनाव विशेषमे जेकि अखनी हमर समाज थारू भाषा कार्यक्रम चुनाव विशेषमे छी जेकि चुनाव आबे लग्नी कमी लगभग एक हप्ता से दस दिन बाकी छी आबि रहल छी। चुनाव अपने सी के थारू समाज से बहुते उम्मीदवार सब प्रतिस्पर्धा में दौड़ी रहल छी प्रतिस्पर्धा में छी जेकि गेलर हप्ता तोरसिन भी देखल जेकि हमें भक्ति माझी संगे भी हमें बातचीत करी टा चुनाव विशेष करके आर ओहिना करके मोरंग क्षेत्र नंबर चार के आज हमें लखनतरी गाँव में छी जेकि आज एतरा एकजना कमनी उम्मीदवार के भेटल छी जेकि आज कमनी इटा मोरंग क्षेत्र नंबर चार के वाम गठबंधन के एक उम्मीदवार जेकि कोई नए हावी के अमन लाल मोदी जी रहल छी। हम ओकरा कार्यक्रम में स्वागत करे चाहे छी। अमन जी स्वागत छु कार्यक्रम में। नमस्कार। किनंग छै अखन तक त कुंग छै चुनावी अभियान में लागि रहल छन अपन कुंग छै एजेंडा प्रस्तुत करि रहल छन जनता के कुंग छै ई चोटी यदि चुक होय त 20 वर्ष चुके वाला छै कैम त तोरा कुंग छै का उदाहरण छै कि गुरु के नहीं चिन्ह मनवा तो बौरा के मोरबे कह अखने ओहिने हिल इटा सामुदायिक रूप से अतर उत्पीड़न पड़ल कि जात जाति सब के अपन कुंग भाषा भाषी के सवाल में के बोल हमें कालकर सांसदों रहें सभासद रहें वर्तमान सांसद छिकेन इटा देश के कुंग उत्पीड़न पड़ल जाति सब चाहे थारू आओ चाहे मधेशी आओ चाहे बांतरा हो चाहे सरदार आओ चाहे मुसर आओ तो इना अभियान के बारे में इवेन कुछ बाहुन क्षेत्र के बारे जो कर्णाली के क्षेत्र के रहल जो उत्पीड़न पड़ल के क्षेत्र में रहल सब के बारे में आवाज उठाए वाला अमनलाल मोदी छे तो यहाँ गाँव घर में अखनी लाजी रहल छन कि कम से कम ई चोटी नीति निर्माता जे प्रतिस्पर्धा के जे गप है जे सांसद के जे गप है इटा सांसद के चांचुनी लड़ाई नहीं है संसद में बोले अपन भाग्य भविष्य फैसला करे वाला इटा के बारे में कम से कम हमें बोलबी अमनलाल मोदी तोरसी के बाल बच्चा छिकेन इटा गरीब परिवार के बच्चा छिकेन बड़खा दुख करनी इटा जीवन संघर्ष करनी कुछ जेल पर्नी इना देश में गणतंत्र लागी संघीयता के लागी समानुपाति समावेशी के लागी इना के लड़े तो अमनलाल मोदी लड़ने तो यहाँ कुछ गाँव घर में कहते जोटी कम से कम हमार चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्र हँसी हाथ रहा है कि इचोटी किन के जीत भाई अमनलाल मोदी के किनके जितो कह के वहन कहसिन कम अमनलाल मोदी के इपारी के वोट खाली कम अमनलाल मोदी के देवे पड़ती ओ अमनलाल मोदी के कैम देवे पड़ती कह के जनता से आप प्रश्न है तीन टा कारण मत कह दे एक देश के कुछ सामुदायिक रूप से सबसे पिछला जाति से थारू इना के बारे में संसद में सबसे उठाए वाला अमनलाल मोदी अब तो विभिन्न जात जाति से बाहुन क्षेत्रीय सरदार अच्छे बांतरो अच्छे मधेशियो से अच्छे इना के बारे में चर्चा परिचर्चा करे वाला अमनलाल मोदी ओहन के बारे में और दोसर कुछ नेपाली कांग्रेस के अमर प्रतिस्पर्धी सुन कि कुछ मत महेश आचार्य उठली महेश आचार्य कुछ चारचोटी मंत्री हेले कई के कुछ चर्चा परिचर्चा चारचोटी मंत्री हावी के 20 वर्ष अगाड़ी बिहार ठाउँ से बिहार क्षेत्र ओतकर थारू सबके पूछे सकते ओतकर मधेशी से पूछे ओतकर उत्पीड़न पड़ल अन्य जाति ओतकर बाहुन क्षेत्र के भी पूछे सकते ते 20 वर्ष आगू महेश आचार्य ट्यांगरा कुंग खोच्यांग 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 करके भोट मांगे तो अखने फिर बिहार महेश आचार्य कुछ तो पूछे ओतकर थारू ना ओतकर जनता से नहीं नहीं हमें महेश आचार्य से भोट दिया तो नहीं कसी एक जनता ने प्रश्न कसे नहीं हम तो 20 वर्ष आजू कुछ पहली
महिषा चारक देखने चल बिहार महिषा चारक छ कि कुन्टा महिषा चारक छ कि पुछे रे अब उटा भाषा त काफी बुझे लाग्ने कि 20 वर्ष आगु जेन नारा दके जेन कुन कछे एजेंडा लागे कुन छ 20 वर्ष आगु जे येली महिषा चारक जो जिति गेले कहियो घुमिक नैले जनता के पक्ष में कहे नैले वहा खाति कुन छि चोटी उभार सौकी देखने महिषा चारक बहुत चोटी देखने कम से कम एकटा एनर्जी एकटा कुन छ हां कुन इजेन्डिटी जस्तै कुन चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै अभियान चलाएबेला इटा देशमै इटा हेले अब तेस्रो कुन छ इटा देशमै तर एकदम महत्त्वपूर्ण एजेन्डा संयुक्त वाम गठबन्धन नेकपा एमाले नेकपा माओवादी अनि एकदम एउटै चुनाव मोर्चा आउ नेकपा एमाले आर माओवादी वाम गठबन्धन मे छि किन कि इटा सम्भव हेले किन कि इटा वाम गठबन्धन बनले स्वाभाविक छ के नेपाली कांग्रेसको आत्य नै हेले काम त नेपाली कांग्रेसको कुनै नेता सोचे माओवादी हेबस कुङ्गस नेपाली कांग्रेस गठबन्धन गरी भरतपुरमा माओवादीको नेतृत्व जितल कि त हेले वहाँ नेता कुङ्गस हँस्या थोडा भोट हाल कि तखने कुङ्गस कर्सँग कार्यगत एकता गर कि त बड्डे हासल ए बा माओवादी कांग्रेस मिल्ने एउटा देशमा चुनावी कार्यगत एकता छ कि फेरि हाम्रो चाहिँ कुन हेर्ने वाम गठबन्धन एकता कुङ्गस एउटा देशकै कुन्छ 67% कम्युनिस्ट आउँछ 67% कम्युनिस्ट कुन चाहे इटा समाज के एकटा कुन छ स्वाधीनता चाहे राष्ट्रियता चाहे जे गरीब छ जे निमुखा छ जे उत्पीडन में पर्ल छ जे सामुदायिक रूप से जे स्वास्थ्य उपचार करने साक्षी मानि लौ जे कुन छ बसोबास छ नै जे सुकुम्बास इना सब के कुन छ राज्य से व्यवस्था करू भलाई के धनी को मान सके ओते का थारू से कतना संपत्ति छ एक कठा बेस्ती 2 बीघा जगह बेस्ती 3 बीघा बड़ा तो 2 करोड़ काठमाडौं में एक दूर के 10 करोड़ तापन संपत्ति के बड़ा मूल्यांकन कर इना के फरक छ हमर सी कखरु संपत्ति लुटे नहीं जा कखरु संपत्ति कब्जा नहीं करू नेपाली कांग्रेस अधिनायित बात के गप करे छे वाम गठबन्धन जे कुछ अधिनायित बात कुछ लातो बेकार के गप छे इना चर्चा पर हम तो चाइना में घूमी के नहीं चाइना में घूमी के नहीं तो कुन कछे कुन छि नै छि चाइना ला खान्थे एकटा भ्रामक खेती करेल छ नेपाली कांग्रेस किन त चाइना मा उदार नीति खुला अर्थतन्त्र छिन देख्छ नि चाइना संसार के टेक्नोलोजी में अर्थतन्त्र कता विकास करेल छ निजी सम्पत्ति आपन स्वामित्व रहछ कुछ मतलब छ भर्खर हम चाइना से पुगी के नै ओते कुन छि सब कुछ खुला छ यूरोपियन मुलुक ला खान हावी लाग्यो त कुन ग छ कोही एकदम ए खत्म कर दिल के हाते नै इना भ्रामक हमर से कुछ नै भारत भी गेल छ भारत का अर्थतन्त्र देखे साक्षी त्यसै एकदम भ्रामक भोट लिए लग्ने तर विभिन्न टिकदम बाजी 2-4 जना पाछुम रहलो 2-4 जना पाछुम राखे के ए तोर्सिके पैसा सम्पत्ति सौ ल्याले त अखने माओवादी एमाले चाहिँ तँ अब 2-4 जनाको राख्छ पाछुम ताली बजा गर्छ यी स्टाइल चाहिँ भ्रामक खेती गर्दछ त उटा खालि त संयुक्त वाम गठबन्धनकै काम कार्यगत एकता अहिले त स्वाभाविक छ कि एमाले माओवादीके कुछ यता 2 पार्टी फुटिके 3 पार्टी बनाएको कुछ अर्थ नै छ कमसे कम यता देशके स्वाधीनता कुछ विकास समृद्धि राष्ट्रियता रोजगार मात्रै नै बहुत विषयवस्तु छ यिना कुन सिक संयुक्त सरकार बनाएको नै कि आउ दिगो सरकार चाहिँ स्थिर सरकार चाहिँ संविधान कार्यान्वयन चाहिँ वहाँ का कुछ न कुछ पार्टी से मिलेगी देश में 2/3 तो बहुमत आना चाहिए कम से 5 वर्ष सरकार चलाना चाहिए तो के एमाले माओवादी मिलने और पार्टी भी एकता है वाला तुलसी आज कुन कहन अब हमारे अखने तम चुनाव चिन्ह हसिया हथौड़ा लैके लड़े लिन तो सूर्य वाला सूर्य लैके लड़े लिख आओ नहीं हेती दोसर चोटी नेकपा माओवादी नेकपा एमाले नहीं हेती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वाला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाँ दियो रहते तो चुनाव चिन्ह सूर्य आए वाला तो इटामे कुन छ भ्रामक नै हाव सक्छ उटा खाली तोर्से कुन अनुरोध गर्छ नि हमर सी के कुन छ विचार दृष्टिकोण यहाँ त्यहाँ जे सो कुछ हमर सी के मिली रहला छ ओ पार्टी एकता करेके कारण छ अखने वाम गठबन्धन गर्ने किटा देश में दिगो जखने हम प्रश्न गर्ने दिगो के लागि शान्ति के लागि विकास लागि समृद्धि के लागि इटा देश में जे विदेश जा रहल छ युवाहरूमा इना रोजगार के व्यवस्था उतै करना चाहिए अथे इटा देश में सब कुछ हावी सक्छ अर्थतन्त्र के व्यवस्था हावी सक्छ कहिके कहिरहल छन् कहिके उटा खातिर वाम गठबन्धन नै हेले आज दर्शकबिन सम तोरसिन देखिरहल छ अखने थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज जेकि विवेक इन्टरप्राइजेस दोबी से इटा कम्पनी प्रायोज खेल कार्यक्रम हमर समाज सिके प्रत्येक हप्ताके रवि दिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक आर ओइनं करिके पूर्ण प्रसारण तोरसिन सोम दिना 3 बजे से 4 बजे तक भी देखे सक्छै अखन गर लगिन कार्यक्रममे हामी पैन कर व्यापारिक विश्राम लेबे चाहछु आ
आईएमए रेमिट आईपे रेमिट हिमाल रेमिट समसारा रेमिट पृथ्वी रेमिट मा विदेशबाट आएको रकम तुरुन्त भुक्तानी गरिनुका साथै देशभित्र रकम पठाउनु परेमा वा हवाई टिकट विद्युत बिल भुक्तानी टेलिफोन बिल भुक्तानी मोबाइल रिचार्ज तथा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् विवेक इन्टरप्राइजेस दुहबी सुनसरी फोन नम्बर 025 45 316 025 45 097 प्रोप्राइटर अनक चौधरी 98 420 2943 98 420 2943 कार्यक्रम के पैंकर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तुरिसियन के मनपसंद थारू भाषा कार्यक्रम हम समाज में साथ दे रहा छू हमें तुरिसियन के संग हमें नीरज खवास इतना खाना कैमरा दिशन साथ दे रहा छी जयराज राजवंशी जी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन आर अखने इटा हमर समाज में चुनाव विशेष कार्यक्रम में छी जेकि आज हमें एते बातचीत जोड़ी रहा छू मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के वाम गठबंधन के उम्मीदवार अमन लाल मोदी जी ओकरा फिर से स्वागत छू अमन जी फिर से स्वागत छू धन्यवाद जे कि एकटा कहनी मीडिया में चर्चा अल फेसबुक में चर्चा अल अमन लाल मोदी के माँ कहनी अखन तक आलू चप बेची रहा छी कुछ की इटा सत्य छी इटा तो हमर जीवनी के बारे में आ अखने कुछ मीडियाकर्मी सब के कुछ एक चर्चा परिचर्चा अली भलाई कुछ आज तोर से एक अनुरोध कर चाहन हमर से एक सामान्य परिवार के आदमी छिन सामान्य परिवार कहियो बड़का नहीं है हमर से परिवार हमर से 7 जना बाल बच्चा जो जन्मी लेली हमर मैसी है हमर बाप मरी गई तो इटा जीवन के संघर्ष के दौरान में विभिन्न कुछ न कुछ काम पेशा ककर जन बन कुछ न कुछ कारण से कुछ जीवन बीतने तो भी कुछ समाज में स्ट्रगल करने समाज में स्ट्रगल एक कारण कुछ तरह कुछ दक्षिण मरकना थारू उत्तर करना थारू नहीं पढ़े पढ़े जेबे तो लेकिन इतना नहीं पढ़े हमर से गरीब होते होते भी तरह हमर मैं कुछ पढ़ा लगे क्या पढ़िया समाज सबसे बड़का हमारे पुगेना एक पढ़िया समाज तो हमारे ख्या नहीं पुगे तैयो भी कुछ पढ़िया स्कूल जेबे तो हमरो से मैं कुछ जो स्कूल गए मैं फैमिली से कुछ हमारे दही पढ़की हम के पढ़की नहीं पढ़की दोसर बात लेकिन हमारे से कुछ पढ़े लगे तो लेकिन जीवन के एक कुछ कालखंड में इतना जीवन संघर्ष करनी इवक अपन जीवन में इतना दर्दनाक स्थिति भुगते भुगते भी हमर मैं तै कुछ छे जो हमारे सभासद नहीं हमारे कुछ एक स्थिर हमर माय के कुछ अपन जिंदगी जे दुख करके कहियो त्याग नहीं ले हम सभासद रहें तैयो भी कुछ अखनो हमरा नहीं था मैं कुछ नहीं है दुख सुख तो जिंदगी है कि एक दिन सुख हेतु एक दिन दुख हेतु इटा हमारा कुछ नहीं कोई श्रम के गप जे छे हमर माय के हम कहियो नहीं करनी तैं कैम आलू चप बेस अखनो भी बेसी सत्य बात छे इटा तो एक कैम तक कम से कम समाज एक नमूना बनना चाहिए जिंदगी के यात्रा में एहन दुख करे एक महान मानुष बने शक्ति कह के हमर लक्ष्य है वह खातिर कुछ हमें जिंदगी के परिभाषा के बारे में बहुत व्याख्या नहीं कर चाहन हमारे में अखनो भी संघर्ष कर कि कर बाल बच्चा सो किर जिंदगी के किने के तुरसी दुख करी के हुरकनी इना कम से तुरसी चेते पड़ल हमारे में एक कुछ अखनो तक बेस है कि तुरसी के किने के हुरकन छुमा में किने के तुरसी के हमारे पालन पोषण करनु किने के बड़ी बढ़नु कम से तोर हमर जिंदगी देखी तो संघर्ष कर कहीं इटा खातिर अखनो भी कुछ बेस है अखनो तक हमारे बड़का धनी परिवार नहीं है सामान्य परिवार के ख्याो पुगे नहीं पड़े यहाँ तैं एक गप कुछ इना जे जीवनी के बारे में जिंदगी के बारे में इना कुछ जनता सब बुझे तो फिर जनता बुझना चाहिए आज सुन नेपाली कांग्रेस के महेश आचार्य से कतने थारू मधेशी दलित सौ देखिए हम इटा देख ली कि मैं थारू खवास टोल में जाके एकदम वे कमी बाभन हावी के भी थारूए में हमरा गाछी में वोट दियान इने अखने इने थार हां थारू में बोली रहछ पाछु ओकर छी बनावटी गप छी दर्दनाक गप फरक रह छी ने बनावटी गप दर्दनाक गप फरक रह छी वेर बात तक आजु महेश आचार्य के हम सुन छिन वेर कदम कतने आदमी काट के बेरी काट जात के बेरी जात आजु तो जहन खुशी होना चाहिए मोरंग जिला में प्रतिनिधि सभा के एक मधेशी 4 नंबर के कुछ थारू मधेशी दलित के कुछ एक बच्चा भी कुछ जा रहा है ओत के थारू सब तो गौरव होना चाहिए ओत के जनजाति सब के गौरव होना चाहिए ओत कर मुस्लिम सब से गौरव चाहिए ओत कर उत्पीड़न पड़ा बाहुन क्षेत्र के भी गौरव होना चाहिए कि इटा देश में एक कुछ सामान्य परिवार भी पुगे साक्षी कहिए धन गौरव होना चाहिए और महेश आचार्य के कपिले महेश आचार्य कौन करी दिल को व्यवहार महेश आचार्य के लगी
पतेकर जनता सो विराट नगर जुलूस खाली टैंग लाके जेबे खाली टैंग लाके एक जुलूस में लेकिन आज कौन पेल गई सुनसे जखने मंत्री हली जो एक टाक मुझे कुछ छूट करे मांगल के ऋण कृषि ऋण मिना करे मांगल के तेकर परिवार कागज से धर धर चातिल के व्यार छे के अहिना के अपमान व्या के तखने सुनसिन जे अमनलाल मोदी के मंगसिर 19 गते तक सौना कुछ अमनलाल मोदी के क्षेत्र छे के दुई दिन मात्र खेला करे दुई दिन के खेला कुन अर्थ बुझे ओते कर थारू ओते कर दलित ओते कर मुस्लिम ओते कर गरीब गरीबी सो के किनवी कहि के सोचि रहल छे वा के तम कछिन ई ब कल्पना कर छे महिजी तोरीटा दिवा सपना माते छे ई चोटी पैसा के कुन छे कुबेरो कतनो पैसा बचा देतो नि मानस के मन चेंज नै थी पैसा से मन नै हेती काम कि मन में अमनलाल मोदी सोहे के ढुकी गेले एकदम पूरा सबै के अमनलाल मोदी एकदम ईटा के लगे एकदम पक्का छे के सबै के ढुकी कतनो संपत्ति किनवै जहाँ तक उनके छे तो ये भी विभिन्न हथकंडा अपना से दलाल तो जतो भी रहते नहीं दलाल तो कथो भी रहते नहीं उठा के बारे में चर्चा प्रचार नहीं करता तब कोई कोई छोटे मोटे दलाल सो उनसे प्रचार करे साक्षी लेकिन उनके छे उठा निर्वाचन क्षेत्र में अमनलाल मोदी जीत दुख को दोसर उनके छे हमें सुन सुन फिर ए अमनलाल मोदी कौन करती हमें कहीं देखा है कौन करती त्या 20 वर्ष अगाड़ी उनसे जेन एजेंडा लैके लाई 20 वर्ष अगाडि एजेन्डा व्याकुन लागि छल जे कुङ्गछि विकास गरिदु बाटो घाटो बनाइदु पुल पुलेसा बनाइदु कुङ्गछि बिजुली आनिदु जेन एजेन्डा 20 वर्ष अगाडि रहले अखनो यहाँ न एजेन्डा लाग्थर जे हम बाटो बनाइदिन्छु हजुर यो गरिदिन्छु हजुर यो गरिदिन्छु हजुरको यो गरिदिन्छु यी बक्स नै थारू हो बसा एनाके गरिदेबै उ गरिदेऊ कि यी बक्स कुङ्गछि कन्भिन्स गरेल छ त 20 वर्ष अगाडि कुन गर्के एटा प्रश्नको जवाब के देती 20 वर्ष आगू जब सांसद हावी के मंत्री चार चुटी ली तो कुछ काम नहीं आज फिर यहाँ एजेंडा ला के लिए तो इतना नहीं हमर सिख जनता सोचवे करते तो वह कहते अमनलाल मोदी कौन करते 20 वर्ष आगू के जो सपना करू इना सौना पुराना गप है आओ हमर सिख चाहिन मान लो विराटनगर एक आधुनिक शहर बनाना चाहिए विराटनगर अक्टा कम जेकि प्रदेश नंबर एक के मोरंग के विराटनगर के भी राजधानी बनाबे लगने कौन विराटनगर जो ढोक लखन जे कमतिया बनल के आचार्य परिवार से कमतिया बनल के चार चुनु मंत्री कमतिया बनल के विराटनगर कामत बनल के हमर सीटा कामत से मुक्त बनाव चाहे कोइराला परिवार कुन से कामत बनल के प्रधानमंत्रीले जे कि नेपाल के दोसरो शहर के कामत बनल के एटा के मुक्त बनाव चाहे अब मुक्त किन खेते तो हमर से प्लान छे हम चाइना गिनी अफ्रीका मूल गिनी घूमनी कौन सी सशक्त आवाज उठा सकते सांसद में कि विराटनगर जस्ते ढोक शहर के एक आधुनिक शहर बनाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अंतर्गत के कुछ मॉडल के शहर बनाना चाहिए एटा विराट चाहे रिंग रोड के हाउस चाहे झापा बैद्यनाथपुर के स्टेडियम के हाउस अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान इटा के क्या नहीं संभव छे आज आधुनिक केनिया ढोक देश कुछ गरीबी अफ्रीका मुलुक कतना देश गरीबी रहे चाहते तो कौन थी चाइना में भुखमरी रहे भारत में भुखमरी रहे आज देश चाहती देश के जनता सो के चाहना की इच्छा शक्ति नेता ने चाहती थी क्या नहीं थी यदि अमनलाल मोदी इटा पारी जीती जीते थे उटा आधुनिक शहर के विकास नहीं रही तब तो सार्वजनिक रूप में टूडी खेल में कहे काठमांडू के टूडी खेल छे ओते सार्वजनिक रूप में कुछ समझ जाके ओते 10 थप्पड़ ओते गजन जुत्या जुत्या मारते लेकिन अमनलाल मोदी बोलले त करते हमर भनाई आरे बाकी छे त विराटनगर के एकटा आधुनिक शहर ओते क सुकुम्बासी समस्या के समाधान एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय मापदंड अंतर्गत एकटा एकदम असल एयरपोर्ट ओहिने गाँव में कुछ जे धूलो माटो छे नि ना सौने कालो पत्र जे धूलो माटो मात्र छे उच्च स्तर ग्रावेल जे थारू संस्कृति सो छे मधेसी सो संस्कृति छे दलित सो के संस्कृति छे बाँतर के संस्कृति मुडियारी के संस्कृति उराव के संस्कृति छे विभिन्न जात जाति के संस्कृति इवेन बाहुन क्षेत्र के मंदिर ना छे इना सौ के एकदम हरा भरा एकदम असल एक म्यूजियम बना दे चाहे एकदम एक सुंदर ओत विभिन्न खवास सौ छे सब के कुछ करे पड़े राजवंशी सौ छे इना के बारे में एक कुछ म्यूजियम खोले छा राष्ट्रीय रूप में पैसा उठा के कुछ राज्य के कुछ जितना समय से प्रयोग कराए चाहे कुछ बाट में जो कृषि आधुनिकीकरण छे कृषि के गप हेती आर ओहिने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब के कुछ राज्य से एक नमूना रूप से हमसे चाहन कहीं एक एजेंडा छे लेकिन आज एक एजेंडा हम प्रस्तुत करते करते महिष चार्ज नहीं करके जे छे वो जाके मंत्री छे पैसा कमे छे खाली टक्का
अब भ्रष्टाचार कतना करके नहीं करके माँ था नहीं लेकिन देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बोले वाला पहले अमनलाल मोदी छे। अमनलाल मोदी यदि जीतिक जाते तो कौन तलब भी रहती कि नहीं रहती कौन गले अमनलाल मोदी ये पारी जीतिक जाती नहीं कितना धन भत्ता खींची कितना तलब खींची कितना सुविधा सब खींची अमनलाल मोदी के कौन चीज सोच हमें देखाई एटा नाटक प्रश्न हम करे नहीं चाहिए नाटक उत्तर दे नहीं चाहिए क्या तो काठमांडू में कौन छे घर भाड़ा कौन छे 20,000 लाख से चले लगने तरह कौन छे कितना लाख से हमारे से संपत्ति दार तो नहीं राज्य की सेवा जो हम कर राजनीतिक रूप से कौन चीज करछिन तो राज्य दिलन सुविधा राज्य दिलन भ्रष्टाचार नहीं करू राज्य दिलन क्या खा पड़ो तो घर तो नहीं सकबी काठमांडू में कोई चीज हमें तो कुछ जोगी तो नहीं है नहीं हमें एकदम प्रष्ट कह दी हमारा जितना राज्य सुविधा दिल के हम उठा प्रयोग करके भ्रष्टाचार बड़ो नहीं करू उठा खातिर कुछ कहूँ जो लिया कौन कहे एकदम कौन कहे नहीं पशुपति में तो कमल डोरला घुमाए पड़े कैसे संपत्ति एटा खाते हमें कुछ इटाके राज्य अगर हम जीती गए तो राज्य के दिल सुविधा मत लियो कहीं कहे एक बातचीत रोके चाहूँ तोरसिन देखी रहा है थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज साथ दिया रहा हमें तोरिसियान के संग हमें नीरज खवास आर इतना खान हमारे संगे बातचीत जोड़ी रही अमनलाल मोदी मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के बामगठबंधन के उम्मीदवार विवेक इंटरप्राइजेस से एक कार्यक्रम प्रायोजक है जेकि तोरसिन विवेक इंटरप्राइजेस दुहबी से तोरसिन आईएमई सुविधा विभिन्न रेमिटेंस के भी सुविधा लेबी सकते आर ओन करके गहमनी इना विद्युत बिल भुगतानी भी कर सकते टेलीफोन बिल भुगतानी भी कर सकते आर रिचार्ज कार्ड एनसेल एनटीसी के भी तोरसिन ओते से उपलब्ध छी ओते करा जाके तोरसिन लेबे सकते अखन कर लगिन फेन से कार्यक्रम में दोसर व्यापारिक विश्राम लेबे चाहछुन आईएमए रेमिट आईपे रेमिट हिमाल रेमिट समसारा रेमिट पृथ्वी रेमिट में विदेश आयोग रकम तुरंत भुक्तानी गरिनुका साथै देश भित्र रकम पठाउनु परेमा वा हवाई टिकट विद्युत बिल भुक्तानी टेलिफोन बिल भुक्तानी मोबाइल रिचार्ज तथा बैलेंस ट्रांसफर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् विवेक इंटरप्राइजेस दुहबी सुनसरी फोन नंबर 025-540-316 025-540-097 प्रोप्राइटर अनक चौधरी 98-420-2943 98-420-2943 कार्यक्रम के दोसर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरिसियान के मनपसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में साथ दे रहा हमें तोरिसियान के संग हमें नीरज खवास आर इतना खान हमारा कैमरा दिशन साथ दे रहा जयराज राजवंशी जी आर हमें आज मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के वाम गठबंधन के उम्मीदवार कम अमनलाल मोदी जी हमारे संगे ओकरा फिर से स्वागत छी फिर से स्वागत धन्यवाद जेकि मोरंग क्षेत्र नंबर 4 से उम्मीदवार वाम गठबंधन से कितना के विकास के आवश्यकता मोरंग क्षेत्र में विकास के आवश्यकता जितना तोरा तखने हम कहले दोहरा के कुछ बारे में चर्चा परिचर्चा नहीं करबे क्योंकि समय संदर्भ अखने कुछ घूमल समय संदर्भ कुछ फेरल हमें इतना कौन कछिन तोर टेलीविजन मार्फत आज उटा देश में कुंग अधिकार के सवाल में जितने हम लड़ने इटा देश के कुछ मत नहीं मोरंग सुनसरी में जितने हम कुछ अधिकार के सवाल में लड़ने बहुत कम मानुष लड़ल वह खाते तोरसी कुंग छे विकास के भन्दा भी नीति निर्माता के गप छे भाग्य भविष्य के गप छे तोरसी कतना बोझे आज काठमांडू जाके ओतिकर थारू सौ ओतिकर मधेशी सौ ओतिकर दलित सौ ओतिकर उत्पीड़न बाहुन क्षेत्री सौ के बारे में के बोल देती नीति निर्माता गप छे काठमांडू भनेको त नाचे नै जैसे नहीं ओते खेले जैसे नहीं डांस करने से संसद भवन कुन छे कि काठमांडू के संसद भवन कि देश के भाग्य भविष्य कि नै कति ओतिकर जनता सौ के भाग्य भविष्य कि नै कति तो इनिंग प्रतिनिधि सौ के किन के चुनती अपन प्रतिनिधि के थे काल नीति निर्माता के गप छोते चाहन्छु नै नेपाली में कुछ सार्वम सत्ता संपन्न भएको व्यवस्थापिका संसद सौ कुछ बना संसद साथी ई बक्को पात्र चुन्न चाहिँ त यहाँ कथे त कछ नीति निर्माता के गप छ उटा नीति निर्माता अपन प्रतिनिधि के बोलते तो उटा खातिर कुछ संसद में हमें बोली देवी हमें कुछ विकास के तो बात कहिए देनु बोली देवी हमें बोले वाला छिन वहाँ तो हम वोट मांगी रहे थे ये पास के बोल प्रतिनिधि सभा में के जेते अमनलाल मोदी बाहे जेते नहीं महेश आचार्य जेते तो बोली देते ओते कर सामुदायिक रूप से ओते कर थारू के बारे ओते कर दलित के बारे ओते कर मधेशी के बारे ओते कर उत्पीड़न बाहुन क्षेत्री के बारे ओते कर कुंग छे महेश आचार्य के ठामो से दिलीप गसदार के नहीं दिल गए इटा में कौन कहे चाहे आ उटा देश के कमतिया छे नेपाली कांग्रेस तो से बुझुए नहीं कर सही
नेपाली काङ्ग्रेसके तोर्सि बुझ्बे नि गर्छ एकरसी यत्ना थारू सोचे यत्ना मधेसी सोचे मोरङ जिल्लामे तोर्सि देखे सक्छ पाँचटा पहडिया उठल गिस पाँचटा संविधानके बर्खिला पर्गिस संविधान भी कुन चाहिँ समानुपाती समावेशी गर्छ एक नम्बर दिगबहादुर लिम्बू जनजाति दुई नम्बरमे के उठलिस थाहा छ मिलेन्द्र रिजाल के छ कि मिलेन्द्र रिजाल तिन नम्बरमे के उठलिस थाहा छ सुनिल शर्मा के छ कि चार नम्बर के उठलिस थाहा छ नि हाम्रो प्रतिस्पर्धी के छ कि त महेश आचार्य पाँच नम्बरमे के अमृत अरियाल छो नम्बरमे के नै नै डाक्टर शेखर कोइराला आउ कहै इटा देशमे कुन मधेसी छौ नेपाली काङ्ग्रेस युद्ध नै लड्ले नेपाली काङ्ग्रेसमा योगदान नै गर्ला छ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कुछ थारो नै गर्छ सौना काँक्रै खेला छ लेकिन एकछि अवसर नै पेते सधैँ झोरा बोके पते कसि सधैँ तर आज तोर टेलिभिजन सधैँ झोरा बोके पते आज एउटा उदाहरण दिन्छु नि तरा वहा भक्ति माझीटा निर्वाचन समको चाहिँ प्रदेशमा उठल छ महेश आचार्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्की महेश आचार्यकै प्रतिस्पर्धा गर्की आज प्रदेशमा उठलिस देख कतना झोला बोकेको स्थिति अहिले वहीँ नै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर छ शेखर कोइराला से कुन चाहिँ के उठलिस प्रतिस्पर्धा चुमनारायण आज देखे सक्छ त्यहाँ कुन चाहिँ झोला बोकेको प्रदेशमा उठलिस त यिनीहरू त बुझे पर्छ नि त्यहाँ थारू समुदाय कहिया आगु बढे त त्यतै गर्छ कि आगु बढे मरि जति यिनीहरू त यहाँ कतै वाम गठन मात्रै सक्दे आज तँ चाहिँ प्रश्न अगर वाम गठन चाहिँ देख्दा एक नम्बर चाहिँ के छ पढिया छ दुई नम्बर चाहिँ के छ पढिया छ तिन नम्बर चाहिँ के छ पढिया छ चार नम्बर चाहिँ के छ एउटा थारूको बच्चा छ पाँच नम्बर के छ मण्डल छ शिवकुमार मण्डल मधेसीको बच्चा छ छो नम्बर के लालबाबु पण्डित हाम्रो चाहिँ कतना समावेशी मिलल छन् कतना किनकि मिलल छन् त यिनी त जनता प्रष्ट बुझ्न चाहिँ नि तक्नै गरी सधैँ झोला बोके प्रत्येक सिके एकदम नेपाली काङ्ग्रेस रविनन्दन चौधरी तपाईँको नाम सुन्छ हामी चिन्हो नै गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ कहिले दिलीप गदर हम चिन्छ सभासदसँग मन्त्रीहरूलाई आज कसै टिकट कति देती टिकट दिँदै गर्छ के मुरियो जति टिकट किनकि नेपाली काङ्ग्रेस सामन्त सोके कुन चाहिँ पार्टी कहिले कुन चाहिँ जनता सो बुझेर छ सामन्तकै सोच कुन छ कि माने धनी बर्खा नै आफ्नै खेवी आफ्नै लगवी कहिले खालि जे सोच गरिब हो मानुस खालि आफ्नै खेवी आफ्नै उ गरी त यिनीहरू सामन्त सोच छ कि यहाँनिर त विरोध छ कि सौका गरिब हो बि धनीको बि सौका समान अवसर कुन थारू कुन मधेसी कुन दलित कुन बाहुन छ सौका अवसरपना चाहिँ त यिनीहरू लडाइ छ कि त यिनीहरू खातिर कुन चाहिँ आफ्नै बुझ्यो फेरि हामी सुन्छौँ महेश आचार्य टिकट बाँडेको ठाउँमा छ टिकट बाँडेको ठाउँमै लेकिन आज एक थारू मधेसी टिकट यिनीहरू मधेसी थारू आज जितल कि त संसदले बोल्ती कि नै बोल्ती यिनीहरूको प्रश्न आफ्नै छ एउटा तर हामी एउटा सामान्य जानकारी गर्छौँ सरकारी वार्ता टोलीके जखनै थारू एउटा देश मधेसी आन्दोलन है सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक तर कुन चाहिँ महेश आचार्य उमर से थारू आन्दोलन मधेसी आन्दोलनको कुन चाहिँ वार्ता टोलीको संयोजक अमनलाल मुदेर अखन टिकापुरको घटना थाहा छ नि अख्नो भी जेल छ यहाँ गफमै कि उतिका थारू मधेसी सोक अधिकार देवप्रति कहिले जो कहने त यो कुन चाहिँ वार्ता ब्रेकले बरु वार्ता ब्रेक नै दिलको अधिकार अख्नो तक जेल हुन्छ यिनीहरूको के विरोधी छ कि नै छ कि प्रष्ट रूपले थाहा छ प्रष्ट रूपसे थाहा छ महेश आचार्य यदि कुन चाहिँ वार्ता टोलीको संयोजक ल ल हुन्छ गरिदिइहालौँ त सम्झौता गरिकन वार्ता ब्रेकले आज तोर सीता स्थितिमै तोर टेलिभिजन मार्फत जे गर्छ हाम्रा सबैको भोट चाहि यहाँको त हाम साझा उम्मेदवार छ माओवादी एमालेको मात्रै साझा उम्मेदवार नै कि हामी काङ्ग्रेसकै साझा उम्मेदवार छौँ फोरम लोकतान्त्रिकै साझा उम्मेदवार छन् सबैकै साझा कुन गरिब कुन धनी कुन पहडिया कुन थारू कुन मधेसी कुन मुडियारी अमनलाल मुद्दी हाई हाई क्याम थाहा छौ निर्वाचन क्षेत्र मेरो चार मेरो हो कसी भाइ एउटा त उतिको थारू उतिको मधेसी उतिको दलित उतिको मुस्लिम उतिको बाहुन छ त्यो मालपोतमा जाके त पास नै गरिदिएल कि जे कहि महेश आचार्यकै तपाईँकै हो कहि त नै देला छ जग्गा पास गर्ला खान त नै छ जनताकै भावना जित्न चाहिँ जनताकै मन जित्न चाहिँ एउटा खालि अमनलाल मोदी जित्ला छ यीचोटि अमनलाल मोदी जितल कि पाँच वर्ष पाछु फेरि अमनलाल मोदी आना चाहिँ कि सौका फेरि माकत देखे अमनलाल मोदीकै गाड दिएवाला आदमी नै थियो क्या एउटा सामान्य परिवारको मानिस दुःख बुझ्ल छ सुख बुझ्ल छ भावना बुझ्छ गरिबकै भावना बुझ्छ धनिकै भावना बुझ्छ बाहुनो क्षेत्रीकै भावना बुझ्छ थारूकै भावना बुझ्छ दलितोकै भावना बुझ्छ मुडियारीकै भावना बुझ्छ जनजातिकै भावना बुझ्छ मधेसीकै भावना बुझ्छ सबैकै भावना बुझ्छ उठा खाते कुन महिला कुन पुरुष सबैकै भावना बुझ्छ यत्ना नै कि कालु कुनकी सांसद हम जितिकै महेश आचार्यकै भेटङले पिए तर हाम्रा डाइरेक्ट अमनलाल मोदीकै फोन गफ गरे सक्छ कि अमनलाल मोदी त्यहाँ छेकै किने छ डाइरेक्ट सार्वजनिक नम्बर
आज तो टेलीविजन से 98 5 20 46 741 हमारे मोबाइल नंबर से कोई जनता भी हमारा फोन करे सकते ये डाखा दी तोर सीखे कुछ अनुरोध से ईचोटी के कुछ जनता से अनुरोध से कि ईचोटी के चुनाव में मंगसी 21 गते 500 अमल मोदी के वोट डाली नहीं पे भाई मंगसी 21 गते लाख भीड़ गंगू में अमलाल मोदी किने के जीती हैं ते सारा आदमी सब लागी के घर घर में अमलाल मोदी चुनाव चिन्ह हसिया थोड़ा कही के लागे पड़ली कही के अनुरोध कर छिन कही के हमें सब एक अपील भी करी रहला छिन अंतिम अंतिम दिशन चलेल अंतिम में कुन कहे जा छै जनता सम के जनता के कुन निर्धक के साथ छै ई छोटे अमलाल मोदी के देखि दै बहुत एकटा सामान्य परिवार के गरीब के बच्चा छै के एकटा गरीब के बच्चा कुन छै देश बनाबे चाहै छै समाज बनाबे चाहै छै कुन जे छै हमें ठका नै छै कि फूस मारा नै छै कि तोर छै के लागि जहिया भी हाजिर हेबी कुछ भी चीज में ई छोटी कम से कम गोलाकार भीतर के हँसिया तोड़ा एमालो वाला माओवादी वाला माते नहीं कि कांग्रेस वाला फोरम वाला सब के गोलाकार हँसिया तोड़ा जो हमारे पहलकर मतपत्र छे तोरसी के एक मतपत्र लैके हम विजयी जब बनी गई तोरसी के जहिया भी नौकर के रूप से काम करी जनता के अहोरात दिन नहीं कही साँझ नहीं कही बिहान नहीं कही रात नहीं कही जहिया भी तोरसी के जनता के हाजिर हेबी कहके प्रतिबद्धता करे करसुन जाहिर करसिन डाखा सोका भोट दिया कहीं अंतिम में यहाँ बात कर सी बातचीत कर दिले बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहे आदिन दर्शक दिन सब हमारे संगे अपने बातचीत जोड़ी रहा छी मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के वाम गठबंधन के उम्मीदवार जे कि अमन लाल मोदी जी हमारे संगे बातचीत करके ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे जे कि ओकरा विजय के बहुत बहुत शुभकामना देवे चाहे इटा मंगसिर 21 गते के चुनाव के लागि कार्यक्रम में हमें अंतिम व्यापारिक विश्राम लेवे चाहे छी आई एम ए रेमिट आई पे रेमिट हिमाल रेमिट समसारा रेमिट पृथ्वी रेमिट मा विदेश बाट आएको रकम तुरुन्त भुक्तानी गरिनुका साथै देश भित्र रकम पठाउनु परेमा वा हवाई टिकट विद्युत बिल भुक्तानी टेलिफोन बिल भुक्तानी मोबाइल रिचार्ज तथा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् विवेक इन्टरप्राइजेस दुहबी सुनसरी फोन नम्बर 025-540-316 025-540-097 प्रोप्राइटर अनक चौधरी 98-420-2943 98-420-2943 कार्यक्रम के अंतिम व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ जे कि हमें इटा ब्रेक के पहिने हमें बातचीत जोड़ू जे कि मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के वाम गठबंधन के उम्मीदवार अमन लाल मोदी जी संगे हमें आरक जन संगे इटा कार्यक्रम के अंतिम अंतिम दिशन हमें बातचीत जोड़े चाहिए जे कि वे कोई नहीं हावी के मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के प्रदेश 1 के विजय कुमार विश्वास जी रहा छी हमें ओकरा कार्यक्रम में स्वागत करे चाहूँ विजय जी स्वागत धन्यवाद भक्ति माझी के प्रतिस्पर्धा किन लागि रहल भक्ति माझी के प्रतिस्पर्धा नै खास गरी के गछि हमरा किन लागि रहल छ यहा ठाउ हमर घर भेलै ग्रामथन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 हमर घर जन्मल ठाउ सधैं यहा ठाउ के जनता के सेवा के लागि निरन्तर 10 वर्ष जन्म महान जनयुद्ध में शरीक हने जखने में 16-17 वर्ष के रहन हमर बाप मरि गेल रहे उटा टाइम में भी अपन कोनो स्वार्थ नै देखिके कि एतेकर मजदूर छौ एतेकर किसान छौ एतेकर थारू छौ एतेकर दलित छौ मुसलमान छौ सरदार छौ झाँगड़ छौ बहत्तर छौ गरीब बाहुन क्षेत्री छौ सबैके लागि कि देशमे कोनो उपस्थिति नै छ एउटा देश हमर छ कि खै कोनो अनुभूति नै गरि रहल बेलामे ओकर खातिर लड्ने आज एउटा समाज खातिर लड्ने उटा हिसाबसँ हमरा कुन लाग्छ खैके कि बिहारके जेर जकर जेर चिजके लागि लड्ल गेले आज एउटा चिज हमरा प्राप्तिको दिशामे अगाडि बढ्ल छ नेपाल खास गरिके राजतन्त्र से गणतन्त्र नेपाल चलेले नेपाल आज नयाँ संरचनामा जा रहल छ जे कि प्रदेश संघीय संरचनामा नेपाल चल गेल छ इटाके पूर्णता देवलना मङ्सिर 21 गते जे चुनाव हेरल छ प्रदेश सभाके केन्द्र सभाको चुनाव खास गरिके 10 वर्ष महान जनयुद्धके उपलब्धि छ कि जकर गरिब जनता गरिब मजदुर किसान छौके यतेकर थारू यतेकर मुस्लिम यतेकर महिला यतेकर मातर यतेकर सरदार यतेकर झाँगड लगायतके जाति छौके जे राज्यमा पहुँच्ने रहेक आज ओकर अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टी गरेको सहित राज्यमा ओकर उपस्थिति हेति है कि उटाको पर्ने स्वरूप आज हम वाम गठबन्धनको तर्फसँग 4 नम्बर क्षेत्रको 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो उम्मेदवारी दिएल गेल इटा भक्ति माईसँग हाम्रो कुनै तुलना नै कल्पना नै हो सक्छ क्याम जखने महान जनयुद्धमे नेपाली जनताके गतिकर मधेसी यतिकर मुस्लिम उत्पीडित जाति छौके अधिकारके गप उठाउने छल उटा समयमे ऊ नेपाल सरकारमे जागिर ख्याल रहल सेवा गरेको समाज विकासके टाइममे ऊ आफ्ना 16-30 वर्ष जागिरमे
जागिरकार अपन परिवार के पाले लगन अपन परिवार के हुर्काउल में उ जागिर में रहे उटा हिसाब से भक्ति माझी हमारे तुलना में कल्पना नहीं हो सकते उटा हे कारण से जनता हमारा चुनती है कि हमारा आत्मविश्वास क्या संघ माओवादी के एजेंडा गणतंत्र माओवादी के एजेंडा आज समावेशी सौना माओवादी कम्युनिस्ट के एजेंडा आर खास करके ये जेरा उत्पन्न पड़ला जाति सौ के एजेंडा आज हमारा संबोधन कर लगे उटा एजेंडा आज पूर्णता पावित जा रही उटा हे कारण से हमारा कौन विश्वास है हमारे यहाँ माटो के ये हुर्कल ये बढ़ल ग्राम थान के हमारे जन्मभूमि ग्राम थान में कोई उम्मीदवार नहीं है हमारे बाहेक सिंगल हमारे अस्करी उम्मीदवार छिन् भक्ति माझी के प्रदेश नंबर ख पर छिन् वे स्वयं अपना आपके अपन भोट देवे नहीं पेती और परिवार भोट देवे नहीं पेती और शुभचिंतक और गाँव के लोग से भोट देवे नहीं पेती उटा हे कारण से सबसे बेसि हमारे बलियो आधार कि इटा ठामक जनता हमारा चुनती है हम विश्वस्त छिन् अंतिम में कौन कहे चाहे मोरंग क्षेत्र नंबर चार के जनता सन के अंतिम में मोरंग क्षेत्र नंबर चार के जनता के हम कहे चाहे छिन् कि एकचोटी हमारा सबके अवसर दे खास करके देश परिवर्तन के निमित्त हमारा का जे 20 वर्ष अपने हेरी राजनीतिक यात्रा क्रम में सदैव तोर्सी के सेवा में छुन सदैव तोर्सी के निमित्त लड़ी रहा छुन इटा अवसर आज ये मंगसिर 21 गते मतदान हावी जा रहा है तोरासी के आत्मसात तोरासी के बुझे पड़े कि साँचिक तोर्सी सेवक तोरासी सेवा के करते तोर्सी के काम में क्या आगू बढ़ती है कि तोरासी का प्रस्ताव पड़ते क्या तोरासी सामान्य उदाहरण दिन कि जखने हमारा का निरंतर संघर्ष में रहन तखने हमार प्रतिस्पर्धी ऊ नेपाल सरकार के एक विभागीय जागिर में छे ऊ नेपाली जनता के पक्ष में नेपाली जनता के उनका अधिकार के पक्ष में राजनीतिक अधिकार के पक्ष में राजनीतिक एजेंडा के पक्ष में कहियो नहीं लड़े स्वयं ऊ अपना आपके मात्र पारिवारिक हिसाब से सबल करना मात्र लड़े उटा हावे कारण से ये जनता सौ इटा चार नंबर क्षेत्र अंतर्गत क नंबर प्रदेश के जनता सौ हमारा विश्वास छे हमारा चुनती है कि वह कहे चाहे छिन् लास्ट में अपील कर छिन् कि हमारे चुनाव चिन्ह हसिया हतौड़ा छे कि गोलाकार भित्र हसिया हतौड़ा उटा में सबका मतदान करी दे कहीं कि हम अनुरोध करते हैं हम अपन अपील भी कर चाहे छिन् हमें चाह छिन् कि इटा प्रदेश में खास करके किसाने किसान सहितगर थारू मधेशी दलित जनजाति बाहुन क्षेत्री सबका किसान छे या कोई उद्योग व्यापारी नहीं छे हम चाह छिन् कि अखनकर कृषि आधुनिकरण हो ताकि आधुनिकरण करे लगना एकटा ये कृषि मल उत्पादन करना मल बीऊ उत्पादन करना एक कृषि उद्योग आवश्यक छे उटा हम निर्माण करे चाह छिन् एते एते कर बाल बच्चा सब बेरोजगार छे रोजगार के सृजना के निमित्त एते कल कारखाना उद्योग इटा प्रदेश में चार नंबर क्षेत्र के क प्रदेश में एक नंबर प्रदेश में एकोटा उद्योग नहीं छुमा छट्टा चूड़ा मिल भुजा मिल ईटा भट्टा मात्र छे कि एकटा इटा उद्योग के विकास करे कि एते कर बेरोजगार युवा सबके रोजगार के सृजना करे कि इटा ठाउँ के विकास करे चाहि रहल छिन् र कुन कछि कृषि बजार एते कर किसान सब सब्जी उत्पादन कर छै दूध उत्पादन कर छै ओकरा बजार नै छै ओकरा इटरी पुगा पर छै विराटनगर पुगा पर छै ओकर सब बहुत पूँजी नै छै उच्च खालके कृषक नै छै उटा हेबे कारण से तल्लो स्तर के किसान सबके जे अपना किसान पेशा में आश्रित छै ओकर खातिर प्रदेश नंबर एक में चार नंबर क्षेत्र के प्रदेश नंबर एक में तीन ठाव के एक्सपोर्ट बना के हम कृषि के बजार के लागि अनुगमन भी कर योजना भी आनी रहा पूर्व में जाके बाउनी जगह केन्द्र छे के बीच मोरंग के तकर बाद दक्षिण में अलग बाद नया बाजार बीच में अलग बाद ग्राम थान के बनीगाँव तेतरिया झोराहाट तीनटा इलाका के आधार माने के तीन ठाव कृषि आधुनिक बजार निर्माण करे चाहि रहल छिन् इटा हेबे कारण से कि इना योजना प्लान सहित आज हम जनता के बीच में अल छिन् सदैव जनता के सेवा करू है कि हम यहाँ कहीं चाहि रहल छिन् इटा हेबे कारण से तोरा हमारे एकचोटी वोट देवे पड़ते हैं कि अवसर दे हैं कि तोर सदैव सेवा में समर्पित रही इतना कहे चाह छिन् हमें तेकर वोटर सब के बातचीत करे लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहू लेकिन अखनी हमारे संगे बातचीत जोड़ी रहा छी मोरंग क्षेत्र नंबर चार के प्रदेश एक के विजय कुमार विश्वास जी ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहिन् तोरसिन के इटा कार्यक्रम कि नंग लाग्छु कुन सलाह सुझाव छु जान त तोरसिन सलाह सुझाव देवे सक्छै देखि सलाह सुझाव के लागि टेलिभिजन स्क्रिन में तोरसिन के लागि इटा नम्बर ना दौडी रहल छु यहाँ नम्बर में सम्पर्क गरिके तोरसिन सलाह सुझाव देवे सक्छै देखि विवेक इन्टरप्राइजेस से इटा कार्यक्रम हमर समाज प्रायोजक हेल छ जे कि तोरसिन विवेक इन्टरप्राइजेस में आईएमई के साथ साथ विभिन्न रेमिटान्स के भी सुविधा देवे सक्छै तोरसिन कहमनी देश भित्री में कथुन इटा कम नेपाल भरि में तोरसिन के कथुन भी तोरसिन के पैसा पठाबे छु जन त विवेक इन्टरप्राइजेस से पठाबे सकछ आर ओने करे कि विद्युत बिल भुगतानी आर टेलीफोन बिल भुगतानी भी तोरसिन विवेक इन्टरप्राइजेस से लेबे सकछ दोसर हप्ता भेटते के बाचा राखते आज हम इटा कार्यक्रम से विदा हबे चाहछु नमस्कार देखते रहन एरिना टेलीविजन।